नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आप अगर कोई किसी स्कूल या कॉलेज में काम करते हो या फिर कोई भी आप ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पे आपको कोई भी चीज़ का अगर रैंकिंग निकालना है तो नॉर्मली आप एक्सेल में रैंक फंक्शन का यूज करके आप उसमें से रैंकिंग निकाल सकते हो। लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि एक स्कूल का जो मार्कशीट है वो मार्क्स में हमें पास और फेल स्टूडेंट के बीच में से हमें सिर्फ पास स्टूडेंट के ही रैंकिंग निकालना है। तो आज हम देखने वाला है कि वो कैसे निकालेंगे। नॉर्मली जब हम रैंक फंक्शन यूज करते हैं तो नॉर्मली जो टोटल मार्क्स है वो टोटल मार्क्स के ऊपर हम रैंक लगा देते हैं, और रैंक लगाने के बाद जितने भी टोटल स्टूडेंट है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है वो टोटल मार्क्स के ऊपर आपको रैंकिंग लगा देता है। बल्कि एक्चुअली उसमें से फेल जो स्टूडेंट है वो फेल स्टूडेंट का जो रैंकिंग है वो उसमें से एक्सक्लूड होना चाहिए, सिर्फ पास स्टूडेंट का ही रैंकिंग उसमें से आना चाहिए। तो आज हम वो देखने वाले हैं कि वही फेल स्टूडेंट जो हुए उनको एक्सक्लूड कैसे करें और सिर्फ पास स्टूडेंट का ही रैंकिंग कैसे निकाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। दोस्तों, आपके सामने ये जो डेटा है, ये डेटा में मेरे पास रोल नंबर है वो सॉर्टेड है ये रोल नंबर वाइज, उसके बाद स्टूडेंट का नाम है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पे टोटल है, परसेंटेज निकालना है और रैंक निकालना है। नॉर्मली सपोज अभी मैं यहाँ पे इसका सम कर देता हूँ, इज इक्वल टू सम। सम करने के बाद जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको क्लोज ब्रैकेट कर देता हूँ और एंटर दे देता हूँ। यहाँ पे आपके स्टूडेंट जो है उस स्टूडेंट का मार्क्स जो है वो यहाँ पे टोटल होके आता है। ओके, इससे अगर सपोज आप रैंक लगा देते हो, सपोज अभी आपके पास ये जो डेटा है इसमें से एक्चुअली फेल स्टूडेंट जो है, हम यहाँ पे इफ यूज करेंगे, इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन, हर एक सब्जेक्ट में इसको 35 एंड अबव मार्क्स मिलना चाहिए। तो इसके लिए हर एक सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में अगर उसको 35 और उससे कम मार्क्स मिलते हैं तो वो स्टूडेंट फेल हो जाता है। इसके लिए हम इसको मीन यूज करेंगे। मीन यूज करने में यहाँ पे सारे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो पास हो जाएगा, अगर कंडीशन फेल फॉल्स हुआ तो स्टूडेंट जो है वो फेल हो जाएगा। सो यहाँ पे आ गया कि ये जो स्टूडेंट है ये स्टूडेंट अपना फेल है फर्स्ट वाला, इसको मुझे क्या करना है, रैंकिंग में लेना नहीं है। सपोज अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रैंक यूज करूँगा तो नॉर्मल रैंक यूज से करने से क्या हो जाएगा, सपोज ये मार्क्स है कॉमा रेफरेंस, रेफरेंस जो है वो मेरा पूरा जितने भी स्टूडेंट है उनका मार्क्स है, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ F4 प्रेस करके, F4 कॉमा, और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए तो इसके लिए मैं 0 प्रेस कर देता हूँ और एंटर दे देता हूँ। इसका रैंक जो है वो 50 है। अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर ये फेल स्टूडेंट हुआ है तो इसका रैंक जो है वो इसमें कंसिडर नहीं करना चाहिए, सिर्फ पास स्टूडेंट जो है वो पास स्टूडेंट का ही यहाँ पे उसने रैंकिंग कंसिडर करना चाहिए। तो इसमें आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है कि पास वालों का डेटा अलग से निकालना पड़ता है, उसमें से फेल का जो डेटा को फिल्टर लगा के पास वालों का डेटा निकालना पड़ता है, उसके बाद उसको आप रैंकिंग लगाते हैं। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जो मैं आपको ट्रिक वही बताने वाला हूँ। ओके दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है आपको,
कि यहाँ पे वो स्टूडेंट का हम परसेंटेज निकालेंगे, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम इफ यूज करेंगे, ओके, पहले इफ यूज करेंगे, इफ में लॉजिकल टेस्ट यही डालेंगे कि सपोज यहाँ पे हमने मीन, अगर ये सब्जेक्ट, छह सब्जेक्ट में स्टूडेंट अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 35 मार्क्स मिलाता है, मतलब ये पास हो गया, तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे सम ऑफ ये सब्जेक्ट का मार्क्स डिवाइड बाय 600, ओके, अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पे सिर्फ F ऐसा उसको क्या करना है, डिक्लेयर करना, ओके, तो हम इसको एंटर कर देते हैं। ये स्टूडेंट जो था वो फेल था क्योंकि इसमें इसको 33 मार्क्स मिले, इसको मिनिमम 35 मार्क्स मिलना चाहिए। अभी देखो अपने पास क्या आ गया है, यहाँ पे परसेंटेज आ गया है, इसको आप परसेंटेज से सेल को फॉर्मेटिंग परसेंटेज का करेंगे, ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपको आ जाएगा। अभी यहाँ पे मुझे क्या रैंक निकालना है कि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट का मुझे रैंक निकालना है, तो उसमें से सिर्फ मुझे पास स्टूडेंट का ही रैंक निकालना है, फेल स्टूडेंट का रैंक नहीं निकालना। रैंक जो फंक्शन है वो उस फंक्शन सिर्फ न्यूमरिक डेटा जो है, न्यूमरिक रेफरेंस जो है वही कंसिडर करता है, उसमें से अल्फाबेट या फिर स्पेशल कैरेक्टर वाला वो कंसिडर नहीं करता। इसके लिए मैं यहाँ पे रैंक यूज करता हूँ, इज इक्वल टू रैंक, ओके सॉरी रैंक में से मेरा जो नंबर है वो ये है, कॉमा, मेरा जो रेफरेंस है वो मेरा ये रेफरेंस है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, फिक्स कर देता हूँ, यहाँ पे पूरे परसेंटेज जो है वो रेफरेंस लिया है, और मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर से चाहिए, इसके लिए मैं डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जीरो प्रेस कर देता हूँ और एंटर दे देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी एरर आ गया है, एरर जो है इसमें वैल्यू जो है वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ अल्फाबेट्स है, इसमें कोई न्यूमरिक डेटा नहीं है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इफ एरर, अगर वैल्यू प्रॉपर आती है तो ये कैलकुलेट करो, अगर सपोज इसमें एरर आता है तो यहाँ पे सिर्फ वो एफ करके फेल करके उसका रिमार्क दे देगा, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ओके, तो इसका रिमार्क जो है, रैंक जो है वो फेल है। अगर सपोज हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कितने स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट है। टोटल अभी मेरे पास जो स्टूडेंट का डेटा है इसमें से लगभग 199 स्टूडेंट है, 99 स्टूडेंट में से ऑलमोस्ट 60% स्टूडेंट जो है वो लगभग पास हुए रहेंगे और 40% स्टूडेंट जो है वो फेल हुए रहेंगे, वही वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे alt df f, इसको हम फिल्टर लगा देते हैं और यहाँ पे हम सिर्फ पास वाला काउंट देखते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 60 जो है वो 60 काउंट है सिर्फ पास हुए स्टूडेंट का, और उसमें से बाकी के जो स्टूडेंट है वो सब फेल है। अभी हम इसको अगर सॉर्ट करेंगे, कस्टम सॉर्ट करेंगे, तो आपको यहाँ पे उनका पूरा डेटा मिल जाएगा। होम में जाना है, सॉर्ट एंड फिल्टर, कस्टम सॉर्ट, और रैंक जो है वो रैंक में से हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इससे हम उसको फिल्टर दे देंगे, तो आपका रैंकिंग जो है वो रैंकिंग आ गया है। इसमें से उसने सिर्फ 60 नंबर तक ही इसने क्या किया है, रैंकिंग दिया हुआ है, बाकी के जो फेल स्टूडेंट है ये फेल स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो फेल है।
फेल आ गया है। इसका मतलब है आपको कोई रैंक की फंक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सेम सम प्रोडक्ट से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सम प्रोडक्ट जो है वो थोड़ा एरे समझने में बहुत टाइम लगता है इसको, इसके लिए हम अभी वो सम प्रोडक्ट का फंक्शन नहीं दिखा रहे हैं। अगले आने वाले वीडियोस में हम सम प्रोडक्ट का यूज करके भी हम रैंक निकाल सकते हैं, उसमें से रैंक इफ फंक्शन हम बना सकते हैं सम प्रोडक्ट से, वो भी हम दिखाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल के लिए एकदम इजीएस्ट वे जो है वो ये है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करो और कमेंट करके शेयर करो, और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिए, क्योंकि मैं लाता हूँ हर दिन एक नई ट्रिक्स। ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।